जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। नगर निगम शिमला के मेयर बने सुरेंद्र उमा, डिप्टी मेयर नव निर्वाचित पार्षदों ने ली शपथ। नगर निगम शिमला के नव निर्वाचित पार्षदों ने सोमवार को पद व गोपनीयता की शपथ ली। नगर निगम शिमला के मेयर के पद पर छोटा शिमला वार्ड से पार्षद सुरेंद्र चौहान की ताजपोशी हुई है। सुरेंद्र चौहान शिमला के मेयर के रूप में निर्विरोध चुने गए। डिप्टी मेयर का पद महिला को मिला है। टूटीकंडी वार्ड से पार्षद उमा कौशल को डिप्टी मेयर बनाया गया है। डिप्टी मेयर के रूप में उमा कौशल भी निर्विरोध चुनी गई। 2900 शिक्षकों की भर्ती का वित्त महकमे में पहुंचा प्रस्ताव, कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के आसार। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 2900 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास पहुंच गया है। 17 मई को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में भर्ती को मंजूरी मिलने के आसार हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्देशों पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने विभिन्न श्रेणियों की सीधी भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया है। बिजली बोर्ड एचआरटीसी में बहाल नहीं हुई ओपीएस, इस माह भी कटा एनपीएस शेयर। हिमाचल प्रदेश के दो बड़े सरकारी उपक्रमों बिजली बोर्ड और एचआरटीसी में पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं हुई है। इस माह दोनों उपक्रमों के 17,000 कर्मचारियों में नेशनल पेंशन स्कीम शेयर कटने से रोष है। बिजली बोर्ड और परिवहन निगम प्रबंधन ने सरकार की अधिसूचना पर अभी तक अमल नहीं किया है। कर्मचारी यूनियनों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है और काटी गई राशि को आगे नहीं भेजने की मांग की है। कालका शिमला एनएच पर अब कैमरों से कटेगा चालान। कालका शिमला एनएच पर पुलिस के साथ आधुनिक कैमरों से भी यातायात पर नजर रखी जा रही है। पुलिस लाइन सोलन के समीप इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने के बाद अब धर्मपुर पुलिस थाना के समीप इसे स्थापित कर दिया है। इस सिस्टम से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का खुद ही चालान कट जाएगा। एचआरटीसी चालक यूनियन ने हड़ताल टाली, रात्रि बस सेवाएं की शुरू। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से बैठक के लिए समय देने के बाद एचआरटीसी चालक यूनियन ने हड़ताल टाल दी है। अब रात्रि बस सेवाएं सामान्य तौर पर चलेंगी। 18 मई को सुबह 11:30 पर सचिवालय में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और एचआरटीसी के प्रबंधक निदेशक संदीप कुमार चालक यूनियन के पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। इससे पहले एचआरटीसी चालक यूनियन ने अग्रिम रात्रि भत्ता न देने पर रात्रि सेवाओं के बहिष्कार का ऐलान किया था। गर्ली प्रागपुर के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक, 25 को संभालेंगे कार्यभार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला की धरोहर नगरी गर्ली प्रागपुर के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। सीबीआई के मौजूदा डायरेक्टर सुबोध कुमार जयसवाल का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। इसी दिन प्रवीण सूद ज्वाइन कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री का ऐलान, जल शक्ति विभाग बनाएगा विकास का रोड मैप। जल शक्ति विभाग सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों का रोड मैप तैयार करेगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह आदेश अधिकारियों को दिए हैं। वह रविवार को विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसी मौके पर उन्होंने अधिकारियों को सभी विधानसभा क्षेत्रों में विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करेगा ताकि विभिन्न स्तर पर जारी कार्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त होने के साथ ही इन कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि खेल युवाओं को नशे से दूर रखने में बेहतर विकल्प। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय व अधिकारिता तथा श्रम व रोजगार मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि खेल युवाओं को नशे से दूर रखने में बेहतर विकल्प है। डॉक्टर शांडिल गत सायं सोलन शहर के कोठों स्थित भाषा व संस्कृति विभाग के कला केंद्र में हिमालय कराटे अकादमी द्वारा आयोजित कराटे फाइट लीग के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर शांडिल ने कहा कि खेल युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह बनाने के साथ साथ उनमें स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी यदि पूर्ण समर्पण के साथ अनुशासित रहकर खेल और व्यायाम की तरफ ध्यान दें तो नशे जैसी सामाजिक बुराई से सदैव दूर रहेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रद्द की कर्मचारियों की छुट्टियां।
देश के कई शिक्षा बोर्डों ने परिणाम घोषित कर दिया है। एचपी बोर्ड भी इसी माह परिणाम निकालने की तैयारियों में जुटा है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य समाप्त हो चुका है, जबकि अब बोर्ड कार्यालय में रिजल्ट घोषित करने को लेकर आगामी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। बोर्ड समय पर 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणामों को घोषित कर सके, इसके लिए बोर्ड प्रबंधन ने कुछ कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द किया है। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में 18 मई तक बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। चार मैदानी जिलों में मौसम साफ बना रहने से पारा और चढ़ने का पूर्वानुमान है। रविवार को पांगी में ताजा बर्फबारी हुई, शिमला में अंधड़ चला, सोलन, कुफरी, नारकंडा और मनाली में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। रविवार को ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार रिकॉर्ड हुआ।